हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और अब टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर का मेजरमेंट रखा है 5 इंच। आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग कर लिया है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। 1.5 इंच का लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। 0.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल का शेप दे देंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद अब हमने इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। कट करने के बाद इसे मेन कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। मैन कपड़े पर रखकर मैंने इसे कट कर लिया है और अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच। गले की टोटल लंबाई रखी है 11 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है 3.5 इंच। इस तरीके से हमने एक स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर पॉट शेप ड्रॉ करना है। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए, इस तरीके से मटका गला हमें यहाँ पर बना लेना है। इसके ऊपर एक डिज़ाइन और बनेगा तो उसके लिए हमने मार्किंग करनी है। मैंने 8.5 इंच पे किया है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ के हिसाब से कीजिएगा। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हमने गले को कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हम नेक को कट कर लेंगे। गले को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए हमने नीचे की तरफ रख लेना है। एज इट इज़ गले की मार्किंग कर लेनी है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट करेंगे। ये देखिए, अब ऊपर वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसे साइड से थोड़ा बढ़ाते हुए कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इसे रखते हुए इस तरीके से अटैच करेंगे और इसके बराबर से इसे भी कट कर लेंगे। इसका डिज़ाइन बनाने के लिए हमने मेन कपड़ा अलग से लेना है। सारे ही पैटर्न कटिंग हो गए हैं, अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले देखिए, अस्तर के ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रख लेना है और पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस से इसे चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगा कर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले एक कॉर्नर की सिलाई लगानी है हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर, इस तरीके से। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। इससे पेपर पेस्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कटिंग करके निकाल देना है इस तरीके से। और इसके बाद हमने नीचे मेन कपड़े को सीधा रखना है। इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को, पेपर पेस्टिंग वाले भाग को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे हम इस तरीके से। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया है। पूरे ही पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने से गला अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हमने एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमने
इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई लगाने के बाद अब हमने साइड से सिलाई लगा देनी है। तो अच्छे से हाथों के साथ फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हमें बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैंने कटिंग करके निकाल दिया है और अब हमने यहाँ पर इसे साइड में रख लेना है। इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के लिए देखिए ये वाले पार्ट को हमने साथ में अटैच कर लेना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैं अस्तर के कपड़े के साथ यहाँ पर अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। चारों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद हमने जो मेन कपड़ा है वो लेना है और इसके साथ प्लेट्स डालनी है। तो सेंटर से हमें यहाँ पर देखिए प्लेट्स बनानी है इस तरीके से और लंबाई चौड़ाई में आप फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। इसके बाद हमने दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को जमाते हुए सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने इस तरफ से भी प्लेट्स को जमाते हुए अच्छे से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। पैटर्न तैयार करने के बाद इसे हमने पेपर पेस्टिंग के साथ सिलाई लगा देनी है अच्छे से रखते हुए और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। पूरे ही पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से और इस पैटर्न को पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है फिनिशिंग की। अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसके जो पैटर्न निकला था इसके बराबर से मार्किंग कर लिया है। सेंटर से अच्छे से रखते हुए हमने इसे सेट करना है और पिन के साथ इसे अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने पिन के साथ इसे अटैच कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हम सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके प्लेट्स लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे से कटिंग कर देंगे शेप के अकॉर्डिंग और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने प्लेट्स लगानी है। तो 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर दोनों ही तरफ हमने इस तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। अब हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से कमर पट्टी लगाएंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे और एक सिलाई इस तरफ लगाएंगे। फिर कमर पट्टी को हमने अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेस अटैच करना है। तो लेस आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। मैंने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए लेस लिया है और लेस को हमने गले के शेप के अकॉर्डिंग लगा लेना है। इस तरीके से शेप देते हुए लेस को अटैच करेंगे और लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए लेस को भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और अब मैंने डोरी ली है। डोरी के ऊपर हमने सिंपल वाली लटकन में इस तरीके से बना रही हूँ। दोनों तरफ लटकन अटैच कर लेंगे। लटकन को अटैच करने के बाद हमने इसे ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो ऊपर से 1.5 से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से बराबर से रखते हुए। और ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है सेंटर में इस पर हम मोती अटैच करेंगे। आप चाहें तो कोई फैंसी बटन वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सिंपल गोल्डन कलर में मोती अटैच कर लें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के मोती लिए हैं और एक एक करके हमें प्लेट्स के बराबर से मोतियों को लगा लेना है।
इस तरीके से मोती पूरे ही पैटर्न पे हमने लगा लेने हैं और ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।